वीडियो में बताने वाले हैं KTM Duke 200 की ऑल न्यू BS6 2022 मॉडल, ये जैसे तो न्यू कार्बन फिनिश में आई है। उसके अलावा RC 200 क्या कुछ बड़े डिफरेंस आपको इन दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो वीडियो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले देखोगे तो फ्रंट से गाड़ी में लुक्स में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, एक आपकी स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है और एक अपनी देख सकते हो। तो ऐसा कुछ आपको फ्रंट से लुक्स में चेंजेस आपको मिलने आ जाते हैं। बाकी अगर बात करोगे इंजन, आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने को मिलता है, 200cc का BS6 कंप्लायंट इंजन जो कि लगभग 24-25 PS की पावर प्रोड्यूस करके दे देता है। तो इंजन वाइज कोई भी चेंजेस नहीं है, दोनों गाड़ी की अगर फ्रंट से लुक ले सकते हो। यहाँ पे बात करोगे तो देख सकते हो नॉर्मल आपको हैलोजन हेडलैम्प सेटअप विद LED देखने को मिल जाता है, USD फोक्स दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, 110x70 17 इंच वाली ट्यूबलेस टायर दोनों ही गाड़ियाँ प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प सेटअप विद LED और LED टेल लैम्प आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड रहता है। यहाँ पे भी आपको बैक में रिफ्लेक्टर्स, साइड्स में रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, USD फोक्स इसमें भी देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी अगर देखोगे यहाँ डिफरेंस, आपको मैं डिस्क की कॉम्बिनेशन दिखा दूँ, देखो यहाँ की डिस्क की साइज देख लो और वहाँ की डिस्क साइज सेम है, बस थोड़ा बहुत वहाँ पे लुक्स में चेंजेस किए गए। बाकी आपको दोनों ही गाड़ियाँ सेम ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। RC 200 की आपको यहाँ बैचिंग देखने को मिलती है, वहीं पे ड्यूक 200 की आपको इधर साइड पे बैचिंग देखने को मिल जाती है। इंजन आपको सेम आता है, सस्पेंशन रेट बैक और फ्रंट दोनों ही में सेम आते हैं। टायर साइजेस दोनों ही गाड़ियाँ सेम ऑफर करती है, 150mm 150x60 70 इंच वाले ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे होगे तो बैक की ग्रैब हैंडल उसकी देख सकते हो, इसकी देख सकते हो। टेल लैम्प सेटअप इसमें आपको एक बहुत ही शानदार स्लिम वाला देखने को मिल जाता है, उसमें उसका टेल लैम्प थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। तो एक बार इसका भी आप लोग टेल लैम्प सेटअप देख सकते हो बैक से गाड़ी का, दोनों बहुत ही बेहतर लगता है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बेहतर लग रही है। सीट की देख सकते हो, इसकी ब्रेथ और कुशनिंग ज़्यादा बेहतर निकल के आती है। यहाँ पर सीट उतना बेहतर नहीं है जितना मुझे उम्मीद थी, बाकी ये यहाँ पर थोड़ा आपको ऐसे झुक के गाड़ी चलानी पड़ती है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप स्ट्रेट थोड़ा बैठ सकते हो, तो आपको ज़्यादा बेहतरीन और अगर लॉन्ग टूर करना है तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाली है। बाकी आपको साइड में फेयरिंग पूरी आपको देखने को मिल जाती है, तो ये अपना देख सकते हो KTM का लुक ले सकते हो। ये ऑल न्यू कलर कॉम्बिनेशन में लॉन्च किया गया जो कि बहुत ही बेहतर लग रहा है। मीटर कंसोल देखोगे तो मीटर कंसोल आपको यहाँ ज़्यादा थोड़ा बेहतरीन देखने को मिल जाता है इसके कंपैरिजन में। इसमें आपको छोटा सा सिंपल एंड सिक्योर बहुत छोटा सा, ये देखो इतना ही सा मीटर कंसोल है, इसमें आपको मीटर कंसोल थोड़ा बड़ा और बेहतर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप देखोगे आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, अगर आपको ऐसा कुछ लुक्स पसंद आ रहे हो RC 200 के तो बिल्कुल आप RC 200 को जरूर कंसिडर करिएगा। अगर आपको सिंपल एंड सिक्योर लुक चाहिए, अगर आप नॉर्मल टूरिस्ट सेगमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट ऑप्शन बन के आती है, जिसके लिए 2022 में जरूर जा सकते हैं। बाकी दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सेम इंजन ऑफर करते हैं, टायर साइजेस सेम है, सस्पेंशन सेटअप भी सेम है, तो ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों में नहीं आता है जो कि आप बिल्कुल इन दोनों ही गाड़ियों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लगभग सेम प्लेटफॉर्म पर गाड़ियाँ बनी हुई हैं, दोनों ही आपको KTM कंपनी तरफ से एक बहुत ही शानदार पेशकश आ जाती है। तो दोनों में से जो आपको बेहतरीन लगे आप 2022 में उस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।